गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो फाइन। तो मेरे ब्यूटीफुल ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल था रक्षाबंधन और रक्षाबंधन में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही रक्षाबंधन में वहाँ गई थी, तो एक भाभी ने मुझसे कहा कि उन्हें आलू पोस्त बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं के लिए आलू पोस्त बनाने वाली हूँ। दिखाने के लिए कि रेसिपी क्या है, तो मैं आप लोगों को भी एक छोटी सी रेसिपी दे रही हूँ जो अक्सर मैं अपनी फैमिली के साथ बना के खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, आज की रेसिपी आप लोगों को भी मैं दिखाती जाती हूँ और खुद भी बनाती जाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो किचन में चलिए और देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं निकालती हूँ खसखस, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने। तो लंच में आज मैं आलू पोस्त बनाऊंगी, इसके लिए मैं खसखस निकाल रही हूँ। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे पोस्तो ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोस्तो और आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, और बहुत दिन से हमें मन भी कर रहा था ये पोस्तो और आलू की सब्ज़ी खाने का, तो आज मैं वही बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पोस्तो को भिगा के रखा था। अब इसमें हरा मिर्चा और हल्का सा नमक डाल के मैंने पीस लिया है, और यहाँ पर आलू को, 3-4 आलू को, मीडियम साइज़ आलू को, 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट करके मैंने यहाँ पर अच्छे से वाश करके पानी में धो के रखा हुआ है फ्रेंड्स। हम लोग को भी बहुत दिन से आलू पोस्तो खाने का मन था, और हम लोगों ने बहुत दिन से आलू पोस्तो बनाया भी नहीं था, और पोस्तो घर में रखा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि तुरंत आलू पोस्तो की सब्ज़ी बना के आप लोग को भी एक छोटी सी रेसिपी दे ही देती हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। 5 से 10 मिनट के अंदर आराम से ये सब्ज़ी बन जाती है, और खाने में बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। और ये सब्ज़ी हम सब बंगालीज़ की फेवरेट होती है और हमेशा बनती ही रहती है घर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पे आलू को धो के रखा हुआ है और कट की करके रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी आज बनने वाली है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी चलिए और देखिए मैं किस तरीके से आलू पोस्तो बनाती हूँ। ये हमारी फैमिली रेसिपी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है आलू पोस्तो बनाने के लिए। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही परफेक्ट ऑयल है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें काला जीरा और सूखा मिर्चा फोरन के तौर पे डाला हुआ है, और ये काला जीरा को हम लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मंगरेला भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आलू पोस्तो बनाते वक्त, इसी का फोरन हम लोग डालते हैं बेसिकली। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आलू को धो के और कट करके रखा हुआ था, उन्हें कढ़ाई में डाल दिया है। और ये आलू अब थोड़ी देर मैं कढ़ाई में हल्का गुलाबी होने तक भून लूँगी। इससे क्या होता है ना, आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और आलू हल्का सा अंदर से पक भी जाता है। तो मैं इसी तरीके से आलू पोस्तो बनाती हूँ, और हमारे फैमिली में इसी तरीके से आलू पोस्तो बनाया जाता है, जो कि बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग बनता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू लगभग हल्के गुलाबी हो रहे हैं, तो मैं इसे कंटिन्यूसली चला ही रही हूँ, क्योंकि अगर आलू को इस तरीके से छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो नीचे से लाल होने का डर रहता है। तो इस स्टेज पे जैसे आलू गुलाबी हो जाते हैं, मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। जितना नमक लगता है इस सब्ज़ी के लिए, आप लोग भी स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं जितना नमक आप लोग खाते हैं। इसमें मैंने हल्दी भी डाल दिया है, बस फ्रेंड उतना ही नमक डालना है जिससे आलू अच्छे से पक जाए, और सब्ज़ी में जितना नमक चाहिए उतना नमक हो जाए, ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, इस स्टेज पर आलू कितने अच्छे से गुलाबी हल्के से हो भी गए हैं, और मैंने अच्छे से आलू को भून भी लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, जितना क्वांटिटी में आलू को बॉईल होने में लगेगा। तो मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसे ढक दिया है। अभी 2 से 3 मिनट मैं आलू को अच्छे से बॉईल हो जाने दूंगी, यानी कि पक जाने दूंगी। तो यहाँ आलू ऑलरेडी पक गया है, और इसमें मैं जो खसखस यानी कि पोस्तो पीस के रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ चम्मच से। तो मैं यहाँ पर कच्चा पोस्तो ही जो मैं पीस के रखी थी वही डाल रही हूँ। और मैंने अपनी सास को देखा है पोस्तो को भी, वो थोड़ा सा सरसों के तेल में भून लेती थी अलग से, पर मैं यह कच्चा वाला ही डाल रही हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और उस तरीके से भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी होता है फ्रेंड्स। पर आज मैं कच्चे वाला पोस्तो की सब्ज़ी आप लोगों को दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने पोस्तो डाल दिया है, और जैसे ही मैंने पोस्तो डाला है, पोस्तो से भी हल्का सा पानी निकला है, और मैं इस पानी को अच्छे से सुखा लूँगी और अच्छे से आलू और पोस्तो को मिक्स कर लूँगी। और देखिए मैं चेक करी आलू अच्छे से बॉईल हो गया या नहीं, यानी कि कुक हो गया या नहीं। तो हाँ फ्रेंड्स, आलू अच्छे से कुक हो गया है, लगभग डन ही है, हल्का सा और कुक करना बाकी है। तो मैं क्या करूँगी ना, इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के और इसे अच्छे से
चलाकर स्टेयर कर लूँगी ताकि नमक, पानी, पोस्तो और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा पानी डाल डाल के ही इसको अच्छे से सुखाना है पोस्तों को। इससे क्या होता है ना, नीचे नहीं तो लगने लगता है। और मैं ऐसे ही ढक्कन से ढक कर पका रही थी और साथ में इसे हटा हटा कर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भून भून कर आलू को मिक्स कर रही थी पोस्तों के साथ। इससे आलू भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पानी देने से क्या होता है, जो पोस्तों भी अच्छे से पक जाता है और आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाता है, यानी कि सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। इसी तरीके से मैं एक दो बार पानी हल्का हल्का डाल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बॉयल कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आलू पोस्तों की सब्ज़ी डन है। और मैं इसमें ऊपर से कच्चा हरा मिर्चा भी ऐड कर दे रही हूँ। और आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं और पोस्तों भी अच्छे से भुन चुका है आलू के साथ। और ये बहुत ही अच्छा एरोमा दे रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और यम्मी वाला, टेस्टी वाला फ्लेवर भी आ रहा है। आप लोग यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक हल्का सा ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ मैंने गैस को ऑफ कर दिया और आलू पोस्तों को एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने धनिया की पत्ती वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि इससे पोस्तों का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं ऐसे ही घर में आलू पोस्तों की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही क्विकली और यमीली बन जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आलू पोस्तों की सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है और ऊपर से मैंने हरा मिर्चा डाला है। आप लोग अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग इसमें और ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं, सूखा मिर्चा भी या हरा मिर्चा भी, जैसे ही आप लोग को अच्छा लगे। फ्रेंड्स, मेरी सास ना दो तीन तरीके से आलू पोस्तो बनाती थी और बहुत ही अच्छा बनाती थी। तो मैं आप लोग को सबसे ईजिएस्ट वाला प्रोसेस आलू पोस्ते का सिखा रही हूँ, जो मेरी सास ने मुझे सिखाया था। तो आप लोग को ये आलू पोस्तो कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लंच पे आज बनाने वाली हूँ मैं चने की दाल। तो चने की दाल को मैं कुछ देर सोख करके रखी हुई थी, उसमें नमक हल्दी डाल के मैंने कुकर में डाल दिया है पानी के साथ। और साथ में अब इसे 5-6 सीटी लगा लूँगी ताकि चने की दाल अच्छे से गल जाए। और मैंने गैस को ऑन भी करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर चने की दाल बॉयल हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और कुछ बेसिक से मसाले जो चने की दाल में लगते हैं वो सबको भी डाल दिया है। और मैं बॉयल किया हुआ चना दाल इस पर डाल के अच्छे से बॉयल आने तक 4-5 इसे बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चना की दाल बन चुकी है और देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। और बहुत ही अच्छी लगती है ये चने की दाल, चावल में तो अच्छी लगती है, साथ में पूड़ी, रोटी, नान सबके साथ अच्छी लगती है ये चने की दाल। तो फ्रेंड्स, ये चने की दाल ऑलरेडी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है फ्रेंड्स। और ये चने की दाल मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो इसमें नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा करके तल के भी डाल सकते हैं और काजू किशमिश भी थोड़ा तल के डाल सकते हैं, पर हमें चावल के साथ खाना था इसलिए मैंने ऐसे ही प्लेन बनाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने केकसा को काट लिया है और काट के इसे कंटेनर में रखी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ खेक्सा को अच्छे से वाश कर लूँगी 4-5 बार। और फ्रेंड्स, ये खेक्सा का भुंजिया बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ खेक्सा थोड़ा सा येलो येलो भी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसे बना ही लेती हूँ। और देखिए मैं वही दिखा रही हूँ कि हल्का सा येलो भी हो गया है, पर बनने के बाद बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई में खेक्सा भूंज रही हूँ और अब इसे कंटेनर में डाल लूँगी, क्योंकि खेक्सा ऑलरेडी बन गया है। तो यहाँ कंटेनर में डाल के मैं रख चुकी हूँ खेक्सा का भुजिया। और ये खेक्सा का भुजिया गरम गरम चावल डाल के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे चॉप कर चुकी हूँ मैं कुंदरी और आलू साथ में ही। तो अब मैं जा रही हूँ कुंदरी को अच्छे से वाश कर लूँगी, आलू को वाश कर लूँगी और साथ में ही कुंदरी और आलू का भुजिया बना दूँगी। तो कुंदरी और आलू का भुजिया हम लोग इस तरीके से भी साथ में बनाते हैं, जिसे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कौन कौन कुंदरी में आलू डालते हैं कभी कभी, मुझे भी बताइएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं लंच प्रिपेयर कर चुकी हूँ और मेरा लंच प्रिपेयर करना हो गया है। मैंने बनाया है सिंपल सा एक थाली, और जो कि मेरा बहुत फेवरेट थाली है। इसमें मैं सिंपल से बंगाली थाली भी कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आज आलू पोस्तो, चना की दाल सारा कुछ बनाया है। और हाँ फ्रेंड्स, सिंपल सी बंगाली थाली मैं घर में ही बना के सबके साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज लंच में मैंने क्या बनाया है। तो ये लंच की थाली मैं अपने हस्बैंड को देने जाऊंगी, तो इससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज लंच में मैंने क्या क्या बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बना चुकी हूँ मैं आज की लंच की थाली, और आज की लंच की थाली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है
और आज लंच में क्या क्या बना था आप लोगों ने तो देखा ही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने लंच में सिंपल सा चावल दाल ही बनाया है। हम लोग दोपहर में चावल दाल ही खाते हैं, इंडिया में ज़्यादातर चावल दाल ही दोपहर में खाया जाता है, और हम लोग भी चावल दाल लवर है। तो फ्रेंड्स हम लोग हमेशा अक्सर दोपहर में चावल दाल को खाना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग अधिकतर दिन चावल दाल सब्जी भुजिया यही सब खाना पसंद करते हैं, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अलग खाना दोपहर में प्रिफर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या पसंद है दोपहर में मुझे ज़रूर ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज की लंच की थाली पे मैंने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैंने लंच में सबसे पहले बनाया है चावल। तो यहाँ पर है उसना चावल, हम लोग दोपहर को उसना चावल ही खाते हैं। साथ में है भिंडी का भुजिया, कुंदरी और आलू का भुजिया, जब मैं बना रही थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है खेक्सा का भुजिया, तो खेक्सा का भुजिया के साथ साथ मैंने यहाँ पे बनाया है चना की दाल। तो चना दाल फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी, और साथ में इसका खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चावल के साथ चना दाल। और यहाँ पे फ्रेंड्स साथ में मैंने बनाया था आलू और पोस्तों की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने आज आप लोग को दी है। तो एक बार इस सब्ज़ी को बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में है गाजर का अचार, और सैलेड में मैंने आज रखा हुआ है खीरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चावल, चने की दाल, आलू पोस्तों, कुंदरी की भुजिया, करेले की भुजिया, भिंडी, गाजर का अचार और सलाद के साथ एक छोटी सी बंगाली थाली तैयार की है। आज हम लोग का बहुत मन था बंगाली थाली खाने का। तो फ्रेंड्स एक साथ बहुत कुछ नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि बंगाली थाली में और भी बहुत कुछ होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पोस्तों का चटनी भी मैंने रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बंगाली थाली में अगर बनाया जाए तो झुरझुरी आलू भाजा, बैंगनी, ये सब भी बनाया जाता है, पर मैंने ऐसे घर में सिंपल एंजॉय करने के लिए सिंपल सी बंगाली थाली बनाई। फ्रेंड्स आज की लंच की थाली आप लोगों को कैसी लगी मुझे पर्सनली कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को पर्सनली क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज की सिंपल सी बंगाली लंच की थाली आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहे जो लोग नए आए हैं तो जरूर से करके जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला बाय। ठीक है फ्रेंड्स।